हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग है मेरा जर्नी जो हम नमसाई का चौकम से लेके लोहित डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो वो फिर लोहित से अंजाव का रास्ता, वो सब है जर्नी। तो वो सब दिखाया है, कुछ कुछ विलेज छोटा छोटा का, और लोहित व्यू दिखाया है। आप लोग वीडियो देख के इंजॉय करना, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुबह से घूम रहे और हम लोग पूरा बैग पैक होके है, पीछे में पूरा पैक होके दिक्कत में रखा हुआ है, और पापा हम लोग पूरा पैकिंग के साथ घूम रहे हर जगह नमसाई तेजू जितना घूम है। अभी परशुराम कुंड देखेगा, अभी अंजाव की तरफ चलते हैं। अंजाव के अंदर हाईलोंग में मेरे पापा का जॉब है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। अभी हम चौकम के अंदर घुस चुके हैं, तो इसके अंदर से हम लोग दिखाएंगे बहुत सारे कुछ। यहाँ कुछ कुछ नया अच्छा चीज़ दिखाई देगा तो हम दिखाएगा यहाँ का चौकम का। और ये चौकम का रास्ता है, और यहाँ पे छोटा सा एक बस्ती है, तो यहाँ से घुस के जाएंगे। ये चौकम का छोटा सा एक वर्शिपिंग प्लेस है, टेंपल। अभी जो मंदिर देखा था ना बाहर से, उस पीछे में उसका ऑपोजिट में ही चौकम का हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाँ, नेशनल सर्विस स्कीम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौकम नमसाई, ये हायर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पे कुछ टीचर्स के क्वार्टर्स भी हैं। और अभी चौकम का छोटा मार्केट है, छोटा सा मार्केट जिसमें सामान अच्छा अच्छा मिलते हैं, देखने में अच्छा है। हम लोग ये रास्ता से ही देख के चल रहे हैं। यहाँ ये अभी चौकम को पार करके गुना नगर पहुँचा है, और वहाँ पे एक स्तूपा था, उसका नाम था खामुन स्तूपा, स्तूपा ऐसा कुछ था। तो वही बहुत अच्छा था वो जगह, अभी आपको हम नहीं दिखा पाए, पर बता रहे हैं, आप लोग को इन्फो दे रहे हैं हम लोग कैसे रास्ता में क्या क्या मिल रहा है, कैसे जा रहे हैं बोल के। चौकम का चायपत्ती मकान, अभी ये भी चायपत्ती सूख गया ना, रास्ता इतना अच्छा नहीं है, रास्ता थोड़ा ख़राब है, क्योंकि जो नमसई और तेजू था वो तो पूरा हाईवे से कनेक्टेड है ना रास्ता, लोग तो हाईवे बहुत अच्छा है। यहाँ से मेडो जाता है, ये केरम का एरिया है, और ये कुछ कुछ लोहित का एरिया है जो नमसई में वोटिंग करता है। केरम, मेडो, वाक्रो, ये लोग नमसई में वोटिंग करता है। यहाँ बहुत छोटा छोटा पॉन्ड है, और फिर यहाँ सरसों का खेत, सरसों का खेत देखिए इतना सुंदर, वेरी प्रिटी। नाउ वी आर हियर एट वाक्रो सर्कल टी गार्डन, वी आर हियर इन मेदो बाजार, इट्स अंडर वाक्रो सर्कल, एंड वी आर गोइंग टू माई फादर्स कलीग्स हाउस टू कलेक्ट ए बैग फुल ऑफ राइस। नाउ वी हैव रीच्ड हियर एट वाट माई आंटीज प्लेस, माई फादर्स फ्रेंड प्लेस। सो हियर इज देयर गार्डन, and it's a beautiful place, I'll show you around soon. We are here at that auntie's home to take the rice full of bag, and I'm gonna show you around, it's very pretty, the place, the sarso ka khet and everything, there's makai ka khet na, and I'll show you, it's very pretty. I'll show you the sarso ka khet. Ah. Look. You will just love it. So, अभी हम लोग डियर देखने जा रहे हैं, वो लोग का डियर क्या बोलेगा, पेट एनिमल है। You can see deer. और का उनका नाम है पीही, ये डियर का नाम है पीही। एक का नाम क्या होता होगा ना, नहीं रखा होगा ना, इसका बच्चा होगा सर। ओह, मेन डियर का नाम है पीही, पापा ने बताया। नाउ माय फादर इज फीडिंग, वाओ कौन खाते हैं ना वो लोग। ओके बनाना खा लो पीही, मजा है। हम भी एक खिलाएगा पापा, लाओ तो एक।
और ये लोग ऐसे उल्टा पुल्टा का खाते रहते हैं ना, जो भी खिलाओ ना, सिर्फ कोल खाते हैं ना, वो खा रहे इसलिए अभी नहीं खाएगा ना। ले लिया क्या मेरा भी? ले लो जी, ले लो, ले लो, मेरा भी ले लिया। रुको खरगोश, अब नाम नहीं रखा है ना, प्यारा है खरगोश, सामने से देख लो। नाउ वी हैव रीच्ड हियर इन कामलांग। चलो पापा बताओ ये कामलांग कहाँ है एग्जैक्ट थोड़ा सा। सो कामलांग कम्स अंडर वापस सक्सन लोहित डिस्ट्रिक्ट। लोहित डिस्ट्रिक्ट। वी हैव रीच्ड हियर एट कामलांग ब्रिज। द व्यू इज सो ब्यूटीफुल। पापा यहाँ रुक सकते हैं क्या? थोड़ा सा रुकेगा होगा। वाओ, आई विल शो यू। ओके प्लीज गाइस, यू शुड एंजॉय दिस व्यू, इट्स वेरी प्रिटी। वाओ, कामलांग ब्रिज, इट्स कामलांग रिवर। पापा कामलांग रिवर तो होगा ना। एंड देयर इज अ टेंपल स्मॉल। It's so pretty, it's so pretty, you love. It's very pretty. ये मैंने अपने फ्रंट कैमरा से खींचा तो इसीलिए इतना अच्छा नहीं आ रहा, पर ये नदी और ये ब्रिज बहुत खूबसूरत था। ये जो प्लेसेस अभी तक हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब लोहित का पार्ट है, लोहित डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो ये रिवर भी लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अभी हम लोग वाकरो की तरफ जा रहा था, तो अभी हम लोग को क्या दिखाई दिया? सबसे पहले तो हम लोग फॉक्स दिखाई दिया, पर हम मेरे वीडियो कॉल में था मम्मी के साथ, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे पापा ने देखा फॉक्स। अभी भी रास्ता थी क्रॉस किया। वेलकम टू वाकरो टाउन। अभी हम लोग वाकरो टाउन में पहुंच गया, और रास्ता इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी ठीक है रास्ता, जाने लायक, ऐसा नहीं कि उबर खबर हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ का आदमी लोग बहुत मेहनती होगा ना, तो चायपति बागान फिर ये लोग बाजार में सेल करते हैं ना उसको, आसाम। अभी हम लोग परशुराम कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे रास्ता एकदम चेंज हो गया, डायरेक्ट चेंज, यहाँ पे एकदम पहाड़ी रास्ता आ गया, दापो वाला फीलिंग दे रहा है ये रास्ता, दापो को याद आ गया। जल्दी मेरा दापो का व्लॉग आएगा, हम भी दापो जाने वाला है, तो अभी यहाँ से पहाड़ शुरू, पहाड़ की ओर हम चले, पहाड़ की ओर पहाड़ की ओर चल रहे हैं। ये है रास्ता, वहाँ पे बहुत रिस्की रोड्स हैं, थोड़ी इलाका और उस तरफ खाई एकदम ना, देखना बहुत रिस्की है, जहाँ अच्छा होते है वहाँ बुरा भी होता है ना, तो वैसे ना तेजू से लोहित से अंजाव जाने का दो रास्ता है, एक रास्ता बहुत अच्छा है और एक रास्ता बहुत ख़राब, तो हम लोग ख़राब रास्ते से आए हैं, क्योंकि हम लोगों को परशुराम कुंड भी देखना था, तो हम लोग लॉन्ग कट लेके आए हैं, तो ये रास्ता तो एकदम रिस्की और बहुत ख़राब है, तो वही आगे देखते हैं क्या होता है। वही ये यहाँ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट अंजाव का, ओ अंजाव का, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं, रास्ता ब्लॉक है, यहाँ बहुत डिफिकल्ट रोड है, एक बार दिखा देती हूँ, एकदम है। एक सेकंड के लिए तो हमें लग गया था कि यहाँ रास्ता ब्लॉक है, हमें वापस तेजू जाना होगा, फिर वापस नेक्स्ट दिन हम लोग अंजाव आएंगे, पर अभी बताया कि ऐसा नहीं है, यहाँ से जा सकते हैं। देखिए एकदम पत्थर बहुत रिस्की।
पहाड़ों के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ये रहा वो रास्ता जहाँ से हम अंजाव की ओर जा रहे हैं। ये बहुत रिस्की था, ये रास्ता तो पूरा कटिंग चल रहा था। तो अभी हम लोग लोहित का और अंजाव का बॉर्डर में आ गया। यहाँ से अंजाव जाते हैं और हम लोग अभी यहाँ एक छोटा सा नेपाली होटल में है, यहाँ पे हम लोग खाना खाएगा क्योंकि और जगह नहीं। We are here eating in a dhaba and I'm so tired. Here's my bag. We are eating here because यहाँ कोई भी ढाबा नहीं है और इसको छोड़ के यहाँ यही ढाबा है, ढाबा और नहीं है। वहाँ पे एक है और अच्छा है यहाँ। So we got this here, rice, papar, chili, onion, अचार, दाल एंड दिस सब्जी एंड हियर इज़ माई चिकन ड्राई फ्राई। सो हम बनाए, ये बहुत दूर है ना तो इसीलिए यही मिलेगा तो वही खा लेंगे। नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, आई जस्ट हैड माई लंच, नाउ इट्स 3:30 एंड फ्रॉम हियर वी कैन गो टू परशुराम कुंड एंड फ्रॉम हियर टू अंजाव एंड फ्रॉम दिस साइड इट्स टू तेजू। So it's a tri junction here. Now we are going towards Lohit view. Lohit abhi tak cross nahi hua hai. Lohit itna bada hai yahan tak. Now we have reached here Lohit view. Bahut sundar din ko hum aise hi. Bahut khoobsurat hai ye Lohit view. जगह में होते हैं इसको बोलता है लोहित व्यू। बहुत सुंदर है यहाँ, कैसे बताएगा, मैंने अपना आँख से ही देखने आ जाऊँ। बहुत सुंदर है व्यू, अभी हम दिखाएगा थोड़ी देर में, देख लो। ये रहा लोहित व्यू। आप लोग जब यहाँ आओगे और ख़ुद देखोगे तब मज़ा ले सकोगे यहाँ का, क्योंकि ये व्यू बहुत सुंदर है। और सनलाइट के साथ कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा था, तो जब मैं अंजाव से तेजू वापस आ रही थी तब मैंने खींचा ये। We came all the way from there. और जैसे जैसे हम लोग अंजाव की ओर जा रहे हैं ठंड बढ़ रहा है, एकदम वाला ठंड, ठंडा हवा शुरू हो गया। तेजू तो बहुत गर्म था, उस पहाड़ तरफ में बर्फ है, बर्फ। तो पापा वो कौन सा जगह है? अनिनी ना, वहाँ में बर्फ है पूरा पहाड़ के ऊपर, बर्फ आ चुका है, विंटर एकदम ठंडा, तो ठंडा बहुत तकलीफ लगता है। द रोड हियर इज वेरी रिस्की वे टू अंजाव डिस्ट्रिक्ट बट इट इज पार्ट ऑफ लोहित, डायरेक्टली स्लोप फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग, स्लोप रोड। तो यहाँ से पापा ऊपर चढ़ने तकलीफ होगा, नहीं चलाने आने रुक तो फंसेगा ना। ये तो अभी उतरा ठीक, पहले तो बोल बता पहले सीधा था, ये तो अभी उतरा तेरा है ना। यहाँ पे हम लोगों को एक मंदिर मिला है, मंदिर रास्ता में है, बहुत अंधेरा हो गया। वी हैव रीच्ड हियर एट सालागम, ये छोटा सा स्टॉप है, यहाँ सब रेस्ट करते हैं और बहुत अंधेरा है। नाउ वी हैव रीच्ड हियर इन तिदिंग, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट विलेज है। अभी 5 हो गया क्या, शायद 5 PM हो गया। हम भी कार का लाइट से बोल रहे थे इसीलिए अच्छा नहीं। तो वीडियो अभी यहीं तक ख़त्म होता है, लोहित के लास्ट विलेज तिदिंग तक। उसके आगे अंजाव का व्लॉग आने वाला है, आप लोग देखना। अंजाव में मैंने बहुत सारा जगह घूमा, वर्दर एरिया भी घूमा, तो आप लोग वो सब देखना, आगे आएगा। अभी यहाँ तक कंप्लीट है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर पूरा देख लिया तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।